नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षने। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है? शरिया के सिद्धांतों पर काम करने वाली बैंकिंग व्यवस्था को इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं। यह नॉर्मल बैंकिंग से डिफरेंट होती है। शरीयत के अनुसार इसमें लोन लेना और लोन देना दोनों ही गुनाह माना जाता है, और इसके लिए नाम मात्र के बराबर लोन लिया जाता है। इस्लामिक बैंकिंग का हेड ऑफिस मिस्र में यानी काहिरा में है। एक इस्लामिक बैंक एक जमा करने वाली संस्था होती है, जिसकी एक्टिविटीज के दायरे में इंटरेस्ट के आधार पर लोन लेना उधार देना दोनों को छोड़ करके बाकी सारी बैंकिंग, करेंटली बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज इसमें शामिल होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस्लामिक बैंकिंग में कोई भी इंटरेस्ट डिपॉजिट या एडवांस पर नहीं लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। इसमें इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है। सबसे पहले वर्ल्ड में इस्लामिक बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट, वो 1974 में मिस्र में खोला गया था। दुनिया में कई देश, अधिकतर खाड़ी के देशों में इस तरीके के बैंक मौजूद हैं। भारत में सबसे पहला इस्लामिक बैंक जो है कोची में खुला था, जिसमें स्टेट की हिस्सेदारी जो थी 11% है। भारत में कुछ इस्लामिक बैंक हैं, जैसे तमीम इम्पैक्स है, एसोसिएटेड इंडस्ट्रियल क्रेडिट सोसाइटी, अल सीरत इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग, बैतून नास्तरा अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि है। हालांकि इस्लामिक फाइनेंस पर कोई विशिष्ट कानूनी रोक तो है नहीं, फिर भी बैंकों को बैंकिंग विनिमय अधिनियम के कारण भाग लेने से डेफर्ड किया जा सकता है। लेकिन NBFC जैसे अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोकता है। लेकिन RBI के अनुसार हमारे देश में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने के प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और RBI इसके लिए RBI का क्लियर नो है टू द इस्लामिक बैंकिंग इन इंडिया। बिना ब्याज के इस्लामिक बैंकिंग कैसे काम करता है? इस्लामिक बैंकिंग इक्विटी भागीदार प्रणालियों का उपयोग करते हैं जो लाभ साझा करने के समान है। इक्विटी पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी का मतलब है, यदि कोई बैंक किसी बिजनेस में का पैसा उधार देता है तो बिजनेस विदाउट इंटरेस्ट के ऋण का भुगतान करेगा और इसके बदले बैंक को अपने मुनाफे के हिस्से में हिस्सा देगा। यानी कि इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बजाय डिपॉजिटर्स को शेयर होल्डर माना जाता है। क्या मुस्लिम ब्याज दे सकते हैं? इस्लाम ब्याज यानी रीवा लेने या चुकाने दोनों से मना करता है, क्योंकि किसी को भी अपने लाभ के लिए रीवा का उपयोग जायज नहीं है, और जो यदि कोई लेता है तो इसे डोनेशन में दे देना चाहिए। ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैंक बैलेंस शीट, यह बैंक मुद्राभा और बकलाहा यानी एजेंट इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर फंड मोबिलाइज करता है। इसमें डिमांड डिपॉजिट को गारंटेड इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह क्लाइंट से एक्सेप्ट किया जाता है। ऑन द असेट साइड में हम क्या करते हैं, यह शरिया के सिद्धांतों के अनुसार यह बैंक प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑन डेट क्रिएटिंग बेसिस के आधार पर एडवांस या लोन देता है। ये टाइम डिपॉजिट के ओनर के लिए, जिन्हें इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट भी कहा जाता है, उन्हें इन्वेस्टमेंट मैनेजर का रोल प्ले करता है। एक इस्लामिक बैंक अपनी सारी अर्निंग को अपने डिपॉजिटर्स को उसी फॉर्मूले के साथ इन्फॉर्म भी करता है, शेयर भी करता है, जिसके थ्रू वह अपनी जो नेट अर्निंग है उसको डिपॉजिटर्स को दे देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही।